Hi everyone, welcome to Club UX. तो मुझे कुछ समय से Facebook पे, LinkedIn पे, YouTube पे, इनफैक्ट Instagram पे आप सब लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि जो UX के कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करो. तो अब हम कुछ वीडियोस की सीरीज बनाएंगे जिसमें आई विल एक्सप्लेन टू यू कॉन्सेप्ट ऑफ UX, कि UX डिजाइन क्या है, UI डिजाइन क्या है, इन सब के बारे में हम समझेंगे इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज UX. UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस. तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज UX. हम एक सिंपल डेफिनेशन, एक इंग्लिश डेफिनेशन में उसे समझेंगे. उसके बाद हम UX को इन डिटेल समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो इन सिंपल प्लेन इंग्लिश, यूजर एक्सपीरियंस इज द इंट्रैक्शन अ यूजर हैज विद अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द एक्सपीरियंस दे गेट व्हाइल इंट्रैक्टिंग विद इट. इट इज द पर्सन्स फीलिंग्स, attitude and emotions they feel while using any product or service. User experience का मतलब होता है कि जब आप किसी product या service के साथ जब आप interact करते हैं तो आपका experience कैसा होता है, आपकी feelings, आपकी emotions, आपको कैसा लगता है. तो आपने सबसे importantly एक word के ऊपर emphasize करना है जो है interaction, user interaction, जिसमें user कौन हुआ, user आप हुए. यूजर का मतलब जो किसी प्रोडक्ट डिजिटल एज वेल एज फिजिकल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है या सर्विस के साथ इंटरेक्ट करता है. तो इसका क्या मतलब है, चलो हम एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद अ फिजिकल प्रोडक्ट. इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका सपोज 20% इंक्रीमेंट हो गया अपनी जॉब पे, तो आप डिसाइड करते हो कि आप आईफोन परचेज करते हो. उसके बाद जब वो फोन आपके हाथ में आएगा, उसका स्लीक स्टाइल, उसका ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्यूटीफुल सा कलर, एवरीथिंग वुड बी सो अट्रैक्टिव. और ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एज अ यूजर व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद योर आईफोन व्हिच इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस. सो द यूजर एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद अ प्रोडक्ट व्हिच इज इन दिस केस आईफोन is beautiful, isn't it? This is called user experience, which is a good user experience. इसी तरह से product कोई भी physical product हो सकता है. For example, when you interact with let's say refrigerator or let's suppose washing machine or car, तो this is the user experience, good or bad user experience that you will get by interacting with a physical product. Now we'll talk about interaction while using an application. तो अब हम एक ये एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि आपको ट्रैवल करना है, आपको अपने कॉलेज या अपने ऑफिस लोकेशन पे ट्रैवल करना है, यू डू नॉट हैव अ कार. तो आप यूजुअली, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, वी यूजुअली गो थ्रू मेट्रो और वी टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या हम क्या करते हैं, हम ओला या उबर यूज करते हैं. तो कभी आपने ध्यान दिया है कि राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोफाइल टू एंट्रिंग द डेस्टिनेशन to entering your own location to finding the nearest cab, everything is so smooth on Uber as well as Ola. Yeah, let's suppose aap Amazon ka application use kar rahe ho to order a product. So right from finding different products online to adding that product into your cart to making a smooth checkout, everything is so easy. So yahan pe kya ho raha hai, aap interact kar rahe ho ek application ke saath. This is the interaction that you are having with a digital application. Rukiye, abhi khatam nahi hua. Now let's talk about the user experience while interacting with a service. Ab service kya hui? Let's go back and revisit our previous example of ordering a cab through Uber or Ola. To ye wala jo experience hai wo hum sabke sath hua hoga. Jahan application mein dikha raha hai that the cab will reach us in 5 minutes, it has taken about 15 minutes let's suppose. Uske baad cab wala aata hai but वो आपसे रूडली बिहेव करता है. जहां आप अपने डेस्टिनेशन 15 मिनट में पहुंच रहे थे, वो एक लंबा सा रूट लेता है एंड ही टेक्स अबाउट 30 मिनट्स फॉर यू टू रीच टू द डेस्टिनेशन. एंड देन ही बिहेव्स वेरी रूडली एंड ही इज आस्किंग फॉर मोर मनी अपार्ट फ्रॉम द मनी दैट इज शोइंग इन द एप्लीकेशन, उबर और ओला एप्लीकेशन. तो अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, अच्छा या बुरा? बुरा ऑफकोर्स. यहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट या आप किसी डिजिटल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक सर्विस दी जा रही है और आपका एक्सपीरियंस गुड या बैड कैसा है व्हाइल यूजिंग दिस सर्विस इज आल्सो कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस.
user experience that you are having while you are interacting with a service. तो अभी हमने जहाँ पे Uber या Ola की taxi service के बारे में बात की, you can apply the same concept across different services that are offered. For example, say services that you obtain when you go to a restaurant for having your meal, or for example, you go to a theater to watch a movie. So all of these things comes under service. तो हमने क्या बोला था? User experience is all about the experience that you are having while you interact with a product or service. It is the interaction a user has with a product or service and the experience that they get while interacting with it. So guys, I hope आपको इस वीडियो में UX का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा. हमारे पास और वीडियोस हैं UX डिजाइन, UI डिजाइन, जो हमने हिंदी में एक्सप्लेन करी हुई है. गाइज, आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और आप चैनल भी सब्सक्राइब करिए और वीडियोस का वेट करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए UX डिजाइन, UI डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.